गाइस आप लोग को इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे बाग का नज़ारा है, गार्डन वगैरह जो हमारे इंडिया में होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इंडिया आया हूं और मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आप लोग यहां पे कंप्यूटर का काम सीख कराते हो कुवैत में तो आपको यहां पे कितनी सैलरी मिलेगी। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है परवीन करके है, उन्होंने ये पूछा था कि भाई एक कंप्यूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। भाई यहाँ पर हमारे जो इंडिया के लोग काम करते हैं कुवैत में आते हैं काम करने के लिए। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आया हूँ इंडिया, तो बहरहाल अपनी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ। अगर भाई यहाँ पे आप लोग आते हो, एक एमएस ऑफिस का कोर्स होता है, एक छोटा सा कोर्स होता है या ट्रिपल सी वगैरह, अगर आप लोग बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की जो होती है और वो लोग कराते हो तो आप लोग को यहाँ पर बहुत ही अच्छी जॉब मिलने वाली है। और यहाँ पर लोग यानी कि कंप्यूटर का बहुत ही हाई फाई डिमांड तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप लोग को यहाँ पर अगर बेसिक नॉलेज है और आप लोग के पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग को यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो आप लोग यहाँ पे आराम से आ सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे गाइस अगर आप लोग के पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तब भी यहाँ पे चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग काम करने के लिए आओगे तो कंपनी वगैरह में तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हो कंप्यूटर वगैरह का। यहाँ पे छोटा छोटा जैसे मखजन स्टोर वगैरह होता है, अरबी में बोलते हैं मखजन और स्टोर अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे स्टोर कीपर होता है, आपको वहाँ का सुपरवाइजर बना सकते हैं अगर आप लोग को थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे आराम से आप लोग इंडिया का कमा सकते हो, 50 से 60 हज़ार रुपया कमा सकते हो शुरू में, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हकीकत है। और मेरी कंपनी में जो कि लोग काम करते हैं, इंडिया के लोग काम करते हैं, केरला के लोग काम करते हैं और हमारे यूपी के लोग नहीं काम करते हैं, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। और वो लोग काम करते हैं, सुबह आते हैं 8 बजे, शाम को 3 बजे चले जाते हैं। आप लोग जोड़ सकते हो 7 घंटा ड्यूटी रहती है। अगर आप लोग कभी 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा कर देते हो तो उन लोग को महीना में ओवरटाइम आ जाता है, जो कि अगर वो लोग डेली ओवरटाइम करते हैं 1 घंटा तो लोग का डेली का ओवरटाइम जो होता है 1 दिनार 2 दिनार पर आवर आता है, जो कि बन जाता है इंडिया का 500 रुपया। 1 घंटा में वो 500 रुपया कमा लेते हैं। और आप लोग को पता है कि भाई यहाँ पर लोग मजदूरी कर 1 दिन में 500 रुपया नहीं कमा पाते हैं, जो कि इंडिया में 12 घंटा काम करते हैं और वहाँ कुवैत में जाते हैं 1 घंटा में 500 रुपया कमा सकते हैं, जो कि इंडिया का जो मजदूर है वो 1 दिन में नहीं कमा पाता है। लेकिन वहाँ कुवैत में जब वो काम करता है, अगर वो अच्छा पढ़ाई करके जाता है और अच्छी कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज होती है तो वो 1 घंटा में 500 रुपया कमा लेता है। भाई इतनी ज़्यादा औकात है कंप्यूटर वगैरह की। हमारे इंडिया के 40% लोग जो कंप्यूटर में काम करते हैं, कंप्यूटर ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हेल्पर के तौर पर काम करते हैं और बहुत से लोग हैं जो घर में काम करते हैं। और अगर भाई आप लोग यहाँ पे आते कंप्यूटर कोर्स करके, बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे जॉब होने वाली है और वहाँ पे 250 दिनार 270 दिनार सैलरी होती है पर मंथ। ओवर टाइम को छोड़कर बस आपको रूम नहीं देते हैं, अगर आप लोग को रूम मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि भाई का कमेंट करते हैं, बहुत ही दिन से भाई ये कमेंट कर रहे थे, मैं भाई को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि भाई ने एक अच्छा कमेंट किया जिसकी वजह से मैं आज उनका वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। और भाई मेरी कंपनी में भी बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं जो कि अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप आते हो कुवैत में तो आपको स्टोर कीपर बना देते हैं और कुछ कुछ जगह आपको किसी जगह रख देते हैं, यानी कि कंप्यूटर वगैरह अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको दूसरा काम लगा देते हैं, तो आपको वहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हेल्पर के तौर पर तो भाई इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल सकती है, आपको हेल्पर के तौर पर आपको पैसा दिया जाएगा, ये नहीं कि आपको कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। भाई यहाँ पे हेल्पर की भी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आते हो कंप्यूटर का कोर्स कर, आपको बस कुर्सी पर बैठे रहना है, 7 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करना है, बाद में आप लोग को अपने यानी रूम पे चले जाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस 8 घंटा आपकी ड्यूटी रहती है नॉर्मल सी, वो करनी है। हेल्पर के तौर में क्या रहता है, आपको सामान उठाना है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, आपको यानी कि आपको सब बात माननी है। यहाँ पे जो कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज होता है, अगर आप लोग यहाँ पर आ जाते हो काम करने के लिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपका बेसिक यानी कि वर्क है, सुबह में क्या काम करना है, दोपहर में क्या काम करना है और शाम के टाइम क्या करना है, आपको पता हो जाता है, कम से कम 2-4 दिन में पता ही हो जाता है। जब आप लोग यहाँ पर आते हो 2-4-10 दिन ट्रेनिंग करते हो, आपको पता हो जाएगा कि हमारा काम डेली का क्या रहता है, बाद में आपका रूटीन बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, अलविदा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।